जी हम तरह से पूछा वो सच सच बताइया। माँ बानी तोहार बोला का करना सु कमीना तोहरा साथ बतावा हमरा के बोलत कहे ना बाड़ू तोहर मुंह तोड़ी का हो गई पत्थर बनल खड़ा बाड़ू। हाँ, कर देला रोहन हमरा के अपवित्र तन से ना छूले बाऊ हमरा के बाकी मन से बहुत खरोच ले बा बहुत खाओ देले भाई मन के कबो के ऊपर विश्वास ना कर पाई जिंदगी में। मम्मा हम घर पर आपके खातिर बहुत सारा सरप्राइज प्लान करने हा। सरप्राइज कैसा सरप्राइज? मम्मा अगर हम आपके सरप्राइज बता दे तो फिर सरप्राइज सरप्राइज कैसे रही है? हेलो एगो जरूरी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हम अभी आवत नहीं। डैडी हमरा के पता बा अब आप ऑफिस आए। हाँ बहुत जरूरी मीटिंग बा और कल ना हो सकेला। मॉम मीटिंग खत्म होते ही हम फोन कर ले। सरिता आई होप तू अभी के ख्याल रखू। गाड़ी रोका हम दूसर गाड़ी में चल जाएंगे। आपके पता बा मम्मा डैडी हमेशा ऐसे ही करे नी। सॉरी का हो गए सब लोग इतना उदास का है बा? अरे अपन मर्जी से ही गलपिया ना हो तो उदास होके वाला कौन सा बात बा? देखा 10 साल पहले हमरा वजह से घर में एक तरह से मायूसी छागल रहे अब दोबारा तमु होके देव ना तो माँ चला तू सबका खातिर खाना बनावा गर्मा गर्म। एक कहना दावत के खाना से ना पेट ना भरेला घर के खाना खाइए मूंग के दाल पर जा। दादी आप तो बस खीर बनाई बबली खातिर मुन्नी खातिर जमाना हो गया आपके हाथ से खीर ना खाएंगे। अरे मुन्नी बबली का मुंह लटका के बैठे बड़ा तू लोग चले जा टेबल लगाओ लोग सब लोग साथ में खाना खा जाए चलो जा 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 जा। अरे जा का उदास बैठे बड़ू चलो जा जाना माँ खाना बनाओ ना लेके जाना सबके। आप काहे मुँह लटका के बैठल बानी आपके तक खुश होके के चाहिए भला टल गई चलिए आराम कर ली जाई जाई जाई। भैया सबके कुछ न कुछ कह देनी हमरा के कुछ ना कहा। भैया आप सबके बुद्धू बना सके नी बाकी हमरा और दादी के ना हम जाना था नी। आप भाभी के मिस कर रहल बानी ना आप मानी चाहे ना मानी भाभी के कमी खलत आना आपके। चुप करा छोड़ बाड़ू तू हमरा से ज्यादा बोलबू उंकरा ऐशो आराम की जिंदगी जिए के रहना जिए था देखा तेने कितना खुश रहेली तू खाना लगा चल।
सरिता भाभी अपन कसम ना दे ले रहती ना भैया तो हम आपके सब कुछ सच बता देती। भाभी सिर्फ हमरा के बचावे खातिर विक्रांत जी से शादी कैली। वो कहाँ खुश रही है वो घर में। रोहन के माँ तब बाड़ी ना उनकर जिंदगी में। वो चैन से ना जिए दी है भाभी के ना जिए दी है। बेगा मम्मा घर आ गई। मम्मा रुका पहले हम जाए। मम्मा आपके रोज फ्लावर बहुत पसंद बाना। मुन्नी दीदी हमरा के बता ले रानी। मम्मा चला ना। आप भी हमरे साथ चलें। ओके मम्मा। दुल्हन के गृह प्रवेश तबे होखेला जब ओकर पति ओकर साथ होखे। यही से जब तक विक्रांत जी नहीं खाया चार तो यही जा खड़ा रहबू दरवाजा के बाहर। अभी बेटा चला जल्दी से अंदर आजा और चेंज कर ला। नहीं आप मम्मा के अंदर ना आवे देव तो हम भी मम्मा के साथ यह खड़ा रहा। देखो बेटा अच्छा बच्चा जिद ना करे ले। ना 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 हम अंदर ना आए। अभी बेटा नानी माँ बिल्कुल ठीक कह दड़ी। आप अंदर जाके चेंज कर ले और हमारी राह देखी। जैसे दीदी आ जाइए हम भी अंदर आ जाए ठीक बा। वेलकम तो हमार आपे करब। जब तक अभी हमार वेलकम ना करे मम्मा अंदर कैसे आ सकेली। ओके मम्मा। आप लोग भी सब अंदर चला। बहुत खुश हो रहल बाड़ू कि अभी तो हर बात मान ली हलास और अंदर चल गई। आप ना समझ आप अपना बेटा के जैसे बड़ा के ले बने ओके शिक्षा दे ले बने कि वो झूठ बोले लड़कियन के साथ बदतमीजी करे। आपके गाला गदा अभी भी वैसे ही बा। ना अभी एगो मासूम बच्चा वो छल कपट के भाषा ना समझ सकेला प्यार के भाषा समझेला। यही से वो आपके बात ना मनलस। अगर सच्चा दिल से कही ना तब बच्चा बढ़ के हुकुम सराखों पर रखे ले। तह रुपया रोहन के मम्मी जी भाषण देने में बहुत मजा आवे ना तोहरा के लेकिन एगो बात कान खोल के सुन ला। हम कमला ना हैं हम वंदना हैं वंदना। और एगो बात समझ लिया तुहरे जिंदगी में जौन कुछ भी हो रहल बा और जौन कुछ होखी वो सिर्फ इत्तेफाक ना होखी। वो दिन याद करा जब तुहार पहला शादी भइल रहल। हम सुल्ले बाने तो मंडप में 6 घंटा इंतजार करत रहलो अपना दूल्हा खातिर। और आज के दिन आज एक चौखट पर भी तोहके 6 घंटा इंतजार करे के पड़ी गृह प्रवेश खातिर। कहे कि तोहरे पति विक्रांत के अपन बिजनेस ज्यादा प्यारा बा। और हाँ एगो बात समझ लिया तुहार ई पति राज ना हा। विक्रांत ओ गुत्थी के नाम हा
तुम कब सुलझी ना, चाहे तू कितना भी कोशिश कर ला, तू जितना सुलझावल चाहबो वो उतना ही उलझत जाई। और जोना देने वो सुलझी, बहुत मजा आई। Wait here. Documents are perfect. एकर सॉफ्ट कॉपी इमीडिएट भेजवा दिया। Sure sir. एकर हार्ड कॉपी जर्मनी जल्द से जल्द पहुंच जाए के चाहिए। सर पहुंच जाए, आप चिंता मत करें। वैसे भी आज आपके शादी भइल बा, आपकी पत्नी राह देखत हुई है। आप घरे जाए, गृह प्रवेश खातिर पति पत्नी दोनों के साथ होकल बहुत जरूरी बा। आपके फ्लाइट के वक्त होता। यस सर। सर कांग्रेचुलेशन अगेन। सर एक बात कहीं, आप अपन बेटा खातिर जोन स्टेप लेनी वो रिमार्केबल बा। उम्मीद करे तनी कि आपके बेटा के ना सिर्फ माँ के प्यार मिलो बल्कि आपके भी एक अच्छा जीवन साथी मिलो, जो ना आपके अकेलापन के कम करो और आपके जीवन में खुशी बढ़ दे। थैंक्स सर। तमाशा बा, बाहर काहे बैठल बाड़ तू? तमाशा करे के शौक हमरा के नहीं खे, आपके बा। तोरा से कोनो बात करके हमार माथा के नस तन जाला और हमार नस फाटे लागल आपसे बात करके। वाह भाई वाह, शादी के दिन गृह प्रवेश के पहले पति पत्नी में ऐसन प्यार पहले कबो ना दिखनी। विक्रांत बेटा तू आ गई ना, सरिता बहुरा ने तुहारे इंतजार करत रहली। एक्चुअली वो दुल्हन का गृह प्रवेश ना जोड़ा में ही हो खेला, वही से वो यही जा घर के बाहर आपका इंतजार करत रहली। हम तो बहुत कहने की अरे आवा घर के अंदर आके इंतजार करा, पर सरिता मना कर दी हलस, है ना? अच्छा तू मिनट दी, हम अबे आरती की थाली लेके आवत बनी। हम दोनों ही जानत आने कि तू शादी से कितना खुश बढ़ू, तही रीति रिवाज के दिखावा प्लीज बंद कर दा। ये घर में हमके वो बीवी की जरूरत नहीं खे, अभिमान के माँ की जरूरत बा। और हम तोहरा से एगो अच्छा बीवी होकला के उम्मीद भी ना कर सके नी। और प्लीज हमरा गिल्टी फील करावे की कोशिश मत करिए, यह हमारी जिंदगी बा, हम हमेशा इतना ही बिजी रह। अब आइंदा हमारे खातिर रुके के कोनो जरूरत नहीं है, अगर कोनो प्रॉब्लम हो तो फोन कर लीजिए। अरे आ जाइए आप लोग गृह प्रवेश खातिर। वैसे तोहके तो रीत और रसम सिखावे के जरूरत नहीं खे, तो हर पहला शादी तो है ना।
पुनर्विवाह है ना? वेलकम दीदी। आपके नया घर में आपके स्वागत बा। आप हमार ननद के जगह आयल बानी, उनका तो हम दीदी कहत रानी, तका आपके भी दीदी कहीं? केहू के नजर ना लगे हमार दीदी के। उकाबा ना आपके भरल पुरल परिवार में रहे के आदत बा, ऐसे हमने विक्रांत जीजू से कहनी कि हमने सब साथ में रहा, ता आपके अकेलापन भी महसूस ना होई। और आप चिंता मत करी, हमने आपके आपके पुराना ससुराल के कमी महसूस ना होके दे सरिता दीदी। बरसों से जोने घर से नाता टूट चुकल रहा, आज तोरे आवे से जुड़ गई बस सरिता बहुरानी। देख लो विक्रांत बेटा तोहर कितना ख्याल रखे ले, और तू ऐसे मुंह चढ़ा के बैठल बाड़ू। अरे भाई हमरो के नया बहू का आशीर्वाद देवे दा। हम अभी के देख के आवत नहीं। आखिर जुड़ ही गए ना रिश्ता हमरा से, कितना कोशिश करत रहलू हमरा से दूर रहे के। सरिता बहुरानी सुख ही सुख बरसे तारा परे घर में आवा। जब भी विक्रांत जी हमारे सामने आवे ना, हम तुलना करे लगे ने तू दोनों के बीच। सोचे नहीं जो हम के दे सकेले, आप हमरा के कबू ना देनी और ना कबू दे सकेली। एगो आज के औरत जन अपने पति पत्नी के बीच के रिश्ता के चाहे ले, वो सब हमके विक्रांत जी दे सकेले।
कहाँ करता नहीं आप? ये लाइट्स बंद। लाइट्स स्विच ऑफ कैसे भाई? आपके पता होगा कि चाइना? आप तो कहीं ले हो कब? हम कहाँ कहीं नहीं हैं। हम अभी अभी कमरा में इंटर भाई नहीं हैं। तुम्हें कहीं ले हो कब? हम कैसे कर सके नहीं? हम तो पहली बार ही कमरा में आए बानी। हम कितने पता भी नहीं कि स्विच कहाँ बा। हम तो बस अपन बैग रखने और लाइट्स ऑफ हो गई। देखी, आप प्लीज लाइट ऑन कर दे, हमके बहुत डर लगा था। एक मिनट। ये तोहरे बैग के वजह से ही स्विच ऑफ भइल रहा, समझ लू। प्लीज स्टॉप बी केयरलेस। देख ला स्विच कहाँ बा। हम दोनों के ये कमरा में रहे के बा। देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, हम आपसे शादी जरूर के ले बानी, लेकिन सिर्फ अभी खातिर। आप सोचा भी मत कि हम दोनों के बीच में कोनो रिश्ता होगी। आप लगातार शादी के कुछ ज्यादा ही सीरियस लेवे लागल बानी। ये डेकोरेशन ये सब कहा है? एक मिनट, तोरा का लगता? हम तो के छुए खातिर उतावला हो रहा बानी। ये डेकोरेशन हम ना कैले बानी, डेकोरेटर्स कैले बा। कहती हम उनकरा से? हम दोनों के शादी बसे को दिखावा बा। अगर तो के ये कमरा में ना रहे के बा, प्लीज चूज अ गेस्ट रूम। ये घर में बहुत सारा गेस्ट रूम बा, जाई प्लीज। अभी तो आप कहने की हमने के कमरा है, आप ही जाके कहीं और रह ली ना। हम कहा जाए? जैसे हम कैसे जा सके नहीं, हमारा सारा सामान यहाँ बाबा, हम कैसे छोड़ के जाए। डैडी मम्मा, आप दोनों झगड़ा कर रहे बानी। ना बेटा, हमने झगड़ा ना करता नहीं। आपके डैडी हमसे झगड़ा कर रहा बड़े, हम नहीं करत। मम्मा, हमरा के आपके साथ सोते के बा। अभी प्लीज अपन कमरा में जाई ना। अब मम्मा आ गई है तो हम मम्मा के साथ ही सोतब। हम तोरा से कहनी ना अपन कमरा में जा ना, हम मम्मा के साथ ही सोतब। अभी बेटा, हम दोनों साथ ही सोए के। हम दोनों ना, हम तीनों, हम बतावे नहीं कैसे। मम्मा अभी बाजू आई। अभी डैडी अभी बाजू आई। अभी डैडी आई, मम्मा आप भी आई। Excuse me, का अब हम लाइट स्विच ऑफ कर सके नहीं? हमके अंधेरा में ही नींद आवेला। का ये तेवर काहे दिखाओ द्वाड़ू? हम तेवर दिखा रहल बानी। मम्मा डैडी, आप दोनों झगड़ा करल बंद करी, और मम्मा आप हमरा के बटरफ्लाई के कहानी सुनावा। सब आ जाइए। सरिता के मुंह दिखाई बा, और हम सब के बुलेनी हा। ऊ वंदना भूरी बिल्ली, अब जाए तो पड़ी है ना। हमने सब जाए, वहाँ के आवा भगत के मजा ही कुछ और बा। राज, हम नायब, हमरा दुकान पे काम बा। अरे बेटा सुना तो सही, हमर बात सुना। देखा बेटा, सरिता चल गई, आपन कदम आगे बढ़ा गई। अब तू सोचा आपन जिंदगी नया सिरा से कैसे शुरू करवा। ओके सामने ऐसे जाए से मत अतरावा। अरे लोग तोहरा के दुखी देखे तो जलल पर नमक छिड़किए बेटा। तू रुक, चला हम सीधे पहुंच जाए। शीला के साथ ले जाए ठीक होगी? वो भी चलिए, चोरी थोड़ी न कैलस हा। जे हमरा के केहू की डर पड़ रहल बा। अरे जेके सर झुका के माफी मांगे के चाही, उधर रात दिन फोन पर पटर पटर बात टटरी के तरह करत रहे नी। हमने के औलाद बेकसूर बा,
और वो हमने के साथ जाइए वो सर उठा के। अगर केहू हमार बेटी का कुछ बोलनी ना तो उनकर वो हाल करब कि घर वालन भी पहचाने से इनकार कर दी है। माँ बानी हम अपन बेटी पर आंच ना आवे देव। जा बेटा तू तैयार हो जा, जा। बेटा तू तैयार हो जा, जा। शाबाश चला। शाबाश हमारे हरियाणवे मिर्ची, आज तो हमार छाती चौड़ा कर दिया लो। पहली बार तोहरा पे गर्व होता, हमके अपने बहू से यह चाहत रहा। हे मुरली मनोहर, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखियो। ये सब का करतन? ये कोनो तरीका हा? क्या वो घर पर ऐसे रहेला का? ऐसे मतलब? ये सब का? ये हमार बेडरूम बा, कोनो कबाड़ खाना नहीं खे, जेकर तो का आदत बा। वो कहा ना मिस्टर सूर्यवंशी, जिकरा नाम से आप इतना चिढ़े नहीं ना, उनके घर में पूरा कमरा रहल हमरे खातिर। वो तो बस एको कोना में रहत रहले, और पूरा कमरा ऐसे ज्यादा साफ रहत रहल, और हमरे हर जरूरत खातिर जगह होत रहल, बहुत जगह। उतना जगह तो एक बड़ा सा घर में और आपके दिल में भी ना होगी। अगर तोरा याद बा, शादी से पहले हम तोरा से पूछले रहनी, अगर ये बेडरूम में तोरा कोई चेंजेस चाहिए, वार्डरोब कहाँ चाहिए, ड्रेसिंग रूम कहाँ चाहिए, पूछले रहनी ना। लेकिन ओ समय तोरा हमरा से बात करे के मूड ना रहल। वो दराज खाली बा, तू अपन कपड़ा ओमे रख सकेलू। अगर वो कम पड़े ना तो पूरा शोरूम में जितना सामान समा सकेला ना, ओकरे लिए भी दराज बनवा सकेनी हम। देखी अगर आप हमसे टेढ़ा ढंग से बात करब ना, तो हमसे उम्मीद मत रखी कि हम आपसे सीधा तरीके से बात करब। हम आज के जमाना की औरत हैं, अगर आप हमके मान दे तो ही आपके मान मिली। आई आई नमस्ते, एके आपन ही घर समझी। देखी ना रोहन के रिश्ता से ना, लेकिन विक्रांत जी के रिश्ता से हमरे और आपके बीच में रिश्ता बन ही गई। हाँ ना समधन जी, आई बैठी। मिसेज विक्रांत सूर्यवंशी आ गई। आप लोगन के आंख शायद इन्हें ही ढूंढत रहली। हाथ ले ला, कहीं तोहार कदम ना डगमगा जाए।
वंदना, आपन बेटी के जगह लेवे खातिर बिल्कुल सही लड़की चुल्लू है तू। पत्नी बने से पहले पूरा माँ बने के हुनर दिखे नहीं हमरा के इनमें। हमके ई लागेला कि ई कहे के चाहे कि हीरा के जौहरे मिल गई है ना राज बेटा। तू भाग काहे रहल है? सच देखे के ना चाहेला? तू अब भी उसे लगाव रखेला? और अब फैसला तुहार हाथ में बा, तुहार सामने पूरा जिंदगी पड़ल बा। सरिता के देखा कैसे आगे बढ़ चुकल बाड़ी, अरे तू भी आगे बढ़ा ना। अब ये हमरे जिंदगी के सच्चा राज जी, हम क्यों के और हो चुकल बानी। आप भी अब हमके भुला के जिंदगी में आगे बढ़ जाए। कहा कि हमने के एक दूसरे की जिंदगी में लौटा अब नामुमकिन बा। अंधी बाड़ू का? वैसे अंधी तो तू बाड़ू, एक ही जैसन एक ही शक्ल के दो इंसान कबो नजर आवे ले? वो एक ही शहर में और एक ही लड़की की जिंदगी में। अंकल आप अपन हाथ हटाए ना, इधर हमार कैमरा बा। अंकल का आप हमारे मम्मा और डैडी के फोटो खींच दे प्लीज प्लीज। अंकल एक फोटो। मम्मा देखा अंकल हम तीनों के फोटो खींच रहे निया। अंकल प्लीज जल्दी करा ना। थैंक्स का। थैंक यू। मम्मा देखा अंकल हम तीनों के फोटो खींच रहे निया। सच देखे के ना चाहेला? अरे वो एक रात में ही कि और के हो गए तोरा के बर्दाश्त ना हो रहा ला। ओकर चिंता करेला जे तोरा के भुला के और के हो गए। और अब फैसला तुहार हाथ में बा। दिव्या कहाँ बड़ी? मैडम शॉट में बड़ी, शूटिंग चालू बा। मेकअप फिल क्लियर करा, रोल, साउंड, एक्शन। अरे भाई साहब, जिंदगी बा आपके बाहों में, आपके साये में गुजरे, अगर आप कबूल करी तब। आपके कदम में चांद सितारा तोड़ के रख दे, आपके लिए तो हम जमीन और आसमान के भी एक कर दे हब, अगर आप कबूल करी।
दिव्या राज कट 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 अरे ये क्या आ गए सेट पे अरे शूट चला था कि मजाक चला था ए सिक्योरिटी ए स्पॉट बॉय एक मिनट एक्सक्यूज मी का तरीका भाई राज शूट चला था ऐजा पर तो मेकअप रूम में इंतजार करा हम उहे आवता नहीं हम और इंतजार नहीं के कर सकत तू हमरा से प्यार करे लू तू हमरा से प्यार करे लू राज हाँ या ना हमरा से शादी करबो हम अपन आगे की जिंदगी तारा साथे बितावे के चाहते नहीं बोला सगाई मुबारक होगी अब हमरा के आगे बढ़े से क्यों नहीं के रोक सका था चला हमरा साथे ऐसे अचानक शूट के बीच में आके तू हमरा अंगूठी पहना देला ऐसे हो खेला सगाई हाँ और 10 साल पहले हो जाए के चाहत रल जोन भी कहनी हम सही कहनी और तोहार पत्नी सरिता ओकरा से का कहबा तू सरिता के शादी हो चुकल बा दोबारा और बहुत खुश भी है अपन पति नया पति और घर संसार में का सरिता के पुनर्विवाह हो गए आखिर तू कर दिखला ना राज जे तू चाहत रहला विदा कर देला ना तू ओकरा अपन जिंदगी से हाँ और अब हम उकरा के दिखावे के चाहते नहीं कि हम भी खुश रह सकते उकरा जी से और हमरा खुशी की तरफ पहला कदम तू हो ऐसे सरिता जी से गुस्सा होके तू हमरे से सगाई कर लेला ना